वहीं राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा कि गर्व से कहो कि हम शूद्र हैं। इसको लेकर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उन्होंने अपना बयान दिया और कहा कि समाजवादी पार्टी के बाहर एक और पोस्टर लगना चाहिए जिसमें लिखे कि प्रमोशन में आरक्षण सपा सरकार ने खत्म किया। और वहीं सौम्य प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने पर ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ संवाददाता से खास बातचीत की, सुनाते हैं आपको। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार एक के बाद एक बयान देते गए और ट्वीट करते गए। उसके बाद सपा कार्यालय पर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा कि गर्व से को हम शूद्र हैं। बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं ओम प्रकाश राजभर जी। सपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा कि गर्व से को हम शूद्र हैं, कैसे देखते हैं? समाजवादी पार्टी को चाहिए कि कार्यालय के सामने एक और बैनर लगा दें कि गर्व से कहो कि प्रमोशन में आरक्षण सपा ने खत्म किया है। गर्व से कहो अति पिछड़ों का जो आरक्षण है पिछड़ी जाति का, गर्व से कहो कि वो समाजवादी पार्टी ने लूटा है। इस तरह का भी एक बैनर वहाँ लग जाना चाहिए कि इस मुँह से समाजवादी पार्टी के लोग बोल रहे हैं। क्या कभी पिछड़े दलित महिला के मुख्यमंत्री बनाने की याद आई? किसी अति पिछड़े को सीएम बनाने की बात याद आई? किस मुंह से बात करें? खाली शूद्र मीन्स यादव है तो यादव लेके अपना राज करें? अगर उनके दिमाग में यही है तो फिर दलितों के साथ अन्याय क्यों, अति पिछड़ों के साथ अन्याय क्यों, ये धोखा क्यों देते हैं? चार बार सत्ता रही, जब ये मुसलमानों के नहीं हुए तो दूसरे का कहा होंगे? ये अखिलेश यादव भी मात पिताम्बरम यज्ञ में जा रहे थे, उनको काले झंडे दिखाकर बहिष्कार किया गया, उन्होंने फिर कहा कि हम शूद्र हैं, ऐसा बयान उन्होंने दिया। सत्ता में थे तब इस तरह का बयान क्यों नहीं दिया? सत्ता में थे तो इस तरह का बयान क्यों नहीं दिया कि महिलाओं का अन्याय हो रहा है, पिछड़ों का अन्याय हो रहा है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, तब क्यों नहीं बोले? 4 सितंबर 2013 को हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जो 27% आरक्षण पिछड़ों को मिल रहा है उसमें 12 जातियों को लाभ मिल रहा है, शेष जातियां लाभ नहीं पा रही हैं, इनको बांट करके उत्तर प्रदेश सरकार दे। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। क्या ये बांट करके दिए? उस समय तो याद नहीं आई, आज तक याद नहीं आई। जब ये सत्ता में थे तो जातिवाद जनगणना याद नहीं आई? चार चार बार सपा की सरकार थी तब जातिवाद जनगणना की बात नहीं याद आई? एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात याद नहीं आई? घरेलू बिजली बिल माफ़ करने की बात याद नहीं आई सपा को? तो ये जो इन लोगों की छटपटाहट है, ये सत्ता से बेदखल होने की छटपटाहट है। धन्यवाद, ये थे मेरे साथ ओमप्रकाश राजभर जी, जिन्होंने सीधे साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ओबीसी और पिछड़े जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जब वो सरकार में थे तो उन्हें याद क्यों नहीं आया। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं अविनाश एम के